उसी तरह जो है खुद पसंदी, ये भी जुबान का है कमल है। खुद पसंदी कह रहे हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भरना, ये भी इंसान ना करे। यानी खुद पसंदी क्या होती है, ये भी अल्लाह को नापसंद है कि ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह नज़्म के अंदर कि तुम अपनी आप की बयान जो पाकी बयान ना करो, अपनी बड़ाई बयान ना करो, हम तुम्हें जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, कैसे हमने तुमको पैदा किया, और अगर तुम्हें अपनी आपकी हैसियत जाँचनी है तो देख लो कि तुम पैदा कहाँ से हुए हो, तो तुमको मालूम पड़ जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। तो खुद पसंदी अल्लाह को जो है सख्त नापसंद है, खुद पसंदी इंसान ना करे। इसी तरह जो है किसी के राज पास करना, अमानत में खयानत करना, ये जो है सब मुनाफिकत के भी निशानी है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती है, जुबान से होती है, तो ये भी जुबान के गुनाह हैं। इसी तरह जुबान के और गुनाह क्या है, शेर व शायरियाँ। हलाल जो है वो तो अलग चीज़ है, सहाबा भी क्या करते थे शेर व शायरियाँ, लेकिन हम देखते हैं शेर व शायरी के अंदर जो आदमी उसको जमाने के लिए, उस जुमले को जमाने के लिए हम देखते हैं कि आदमी कहाँ से कहाँ निकल जाता है और उसको जो है शिर्क के अल्फाज उसके अंदर आ जाते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि इसी के ताल्लुक से शिर्क तक पहुँच जाता है, जिसके कव्वाली हम देखें, आज कव्वाली गा रहा है, उसको क्या बोल रहा है, उसको जमाना है उसको, और वो देखता जाता है देखता जाता है, और कहाँ जो है वो उसके ताल्लुक से पहुँच जाता है, तो उसको हमको जाने की ज़रूरत है। इसी तरह गाने, गाने पर भी हम अगर आदमी सुनता है गाने भाई, अरे यार गाने सुनने में क्या दिक्कत है, अब कहता है म्यूज़िक के गाने के अंदर म्यूज़िक, अब बगैर म्यूज़िक के गाने सुने तो गज़ल में तो बहुत कम म्यूज़िक होता है, ढप बसती रहती है थोड़ी सी, वो सुन ले तो उसमें क्या है? लेकिन क्या होता है कि गाने वगैरह जो सुनते हैं आप, भले आप बिना म्यूज़िक के भी सुने, क्योंकि गाने बनाने के लिए उस जुमले को, उस राग को जमाने के लिए वो उसके अंदर कुछ भी कर देते। और हालाँकि ऐसा नहीं कि गाने लिखने वाले जानते नहीं, गाने लिखने वाले भी जानते। एक बार जो ऐसा ही हुआ कि मैं जा रहा था मस्जिद नमाज पढ़ने को, और एक ऑटो वाला होता टैक्सी वाला, वो उसके जो है उसके अंदर टैक्सी वाला देखे आप बड़े बड़े स्पीकर आजकल लगा के घूमते, तो उसके अंदर एक गाना बजा रहा है। अब वो गाने के अंदर उससे गाने से लग रहा है कि ये जो ऐसी बात कर रहा है, इस लिखने वाले को पता है कि अकीदा क्या है इस्लाम का, वो भी उसको मालूम है, उसके बाद भी वो लिख रहा गाना बना हुआ है। गाने की क्या अलवाज उसके अंदर था कि एक जो है फिल्म का गाना है कि जी करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा एक बुद्ध बनाऊँ, जी करता है कि इस मिट्टी से तेरे जैसा एक बुद्ध बना, यानी क्या है वो जो हीरो हीरोइन से कह रहा है कि तेरे जैसा एक बुद्ध बनाऊं और उसको सजदा करके मुसलमान से मैं काफिर हो जाऊं, यानी उस देखिए लिखने वालों को भी मालूम है कि मैं इसको जो है सजदा, बुद्ध को सजदा करने से काफिर हो जाता है, तो मुसलमान है तो काफिर हो जाएगा बुद्ध को सजदा करे, लिखने वाले को पता है, तो वो लिखने वाला खुद जानता भी है लिख रहा हो। उसके बाद वो हीरोइन का डायलॉग आता है उसके अंदर, तो वो कहता है कि ना 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 ऐसे जो है कुफरिया अल्फाज ना बोल सोनिया, यानी उसको ये भी पता है कि ये जो है कुफरे अल्फाज इस तरह से बोलना, तो आप देखिए उनको मालूम भी होता है। फिर उसके मैंने तहकीक की बाद में मैंने कहा कौन इसको लिखने वाला है, तो सारे के सारे जो है अल्लाह जो है उनको हिदायत देगी, सब मुसलमान, गाने वाला मुसलमान, लिखने वाला मुसलमान, म्यूज़िक देने वाला मुसलमान, सब उसके अंदर सारे मुसलमान, तो आप देखिए आप उनको मालूम भी होता है। और तो क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं कि उसके अंदर ले जाती हैं, तो ये भी जुबान का इस्तेमाल है, इस पर जो इंतहा है उसको देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है इस तरह काम ना करें, क्योंकि क्या होता है कि अल्लाह पसंद नहीं करता कि ऐसी चीज़ों की जिसको बुरा समझता है अल्लाह ने बुरा बताया और उसकी वो तारीफ़ करे, उसकी जो तारीफ़ करे। तो इंसान अगर कोई लोग हम देखते हैं कि लोगों का गाने का और गज़ल का मामला, तो ये कि लोग जो उठते सी सुबह आँख खुली नहीं कि उनको चाहिए रहता है भाई गज़ल जगजीत सिंह के बिना तो उसको सुबह ही नहीं होती, गज़ल लगानी पड़ेगी। फिर थोड़ी देर बाद है थोड़ा क्या लाइट हो गया म्यूज़िक, अब थोड़ा सा नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, उसके बाद वो फिर गाड़ी में भी जा रहा था, फिर कान में लगा, फिर म्यूज़िक, फिर जो गाड़ी के अंदर कार के अंदर तो फिर म्यूज़िक, तो वो दिन भर उसका म्यूज़िक गाने सुनना ही है। क्यों? अगर वो इससे मोहब्बत करता है तो जो है इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो वो रोज़े क़यामत उसी नीयत के साथ में उठाया जाएगा, और उसके साथ ही उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। देखिए सहाबा जो है मोहब्बत किया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लम से, तो हम देखें अबू बकर, अल्लाह के रसूल सल्लम की वफ़ात कब हुई? 63 साल। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात कब हुई? 63 साल। हज़रत उमर की वफ़ात कब हुई? शहीद किया गया उनको, 63 साल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात कब हुई? 63 साल। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो जो इख्तियार में भी नहीं था अल्लाह ने उनको उसकी मोहब्बत की वजह से उनको उम्र भी इतनी दे दी। तो जो जिससे मोहब्बत करता है तो उसको वैसे ही उठाया जाता है।